ग्रुप बन गए मीडिया में, एक प्रो पीटीआई, एक एंटी पीटीआई, जो मेरा जो अंदाजा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, हकीकत क्या है और ये अफसाना क्या है, ऐसी बात सच है या ऐसे लोग कह रहे हैं? ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई को दिल पे ले गए, दिल पे ले गए। ये वो लोग हैं जो पहले परवेज मुशर्रफ के साथ थे, हालात थी, परवेज मुशर्रफ के कसीदे गाते थे। जब इमरान खान कहता था ये ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए तो ये कहते थे ये तालिबान खान है। जब इमरान खान कहता था कि ये नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दो, उसने धरना दिया तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। बिल्कुल ठीक है। और परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू करके तो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि जो परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी थी पाकिस्तान में वो सही थी। अब जब इमरान खान आया और उसके जलसे में लोगों ने आना शुरू कर दिया तो अब इनको और कोई नजर नहीं आता तो ये नवाज शरीफ को पकड़ पकड़ के उसके कंधे पे अपनी बंदूक रख के इमरान खान पे चलाते हैं। पहले ये सारे मुशर्रफ के साथ थे, रिकॉर्ड उठाओ ना इनकी, सबकी हिस्ट्री उठाओ। तो ये जिसको आजकल पीटीआई लड़ी हुई है, ये पहले परवेज मुशर्रफ की जुल्फ का असीर था। तो पब्लिक फिर मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है ना, मुझे ये बनाना जो है वो एक करोड़ रुपए तनख्वाह मेरी सही दे रहा है नहीं दे रहा है। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी करवा दिया, जर्नलिस्ट में देखो हमारा भी एक नाम है,